अगली खबर आ रही है गया से, जहां गौशाला का 134वां वार्षिकोत्सव गोपाष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन, एसएम गौशाला अध्यक्ष सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार ने संयुक्त रूप से गोमाता का पूजन एवं गोध्वज का झंडोत्तोलन कर किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी को सचिव मुकेश खंडेलवाल ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उक्त अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही गौशाला की जमीन पर चार दीवारी का निर्माण कराया जाएगा और बस स्टैंड की जमीन पर जो भी गौशाला समिति बनाने का निर्णय लेगी उसमें जिला प्रशासन सहयोग करने का कार्य करेगा। इस मौके पर शिव कैलाश डालमिया, सचिव मुकेश खंडेलवाल, अनूप केडिया, शिव बच्चन सिंह, विनोद कुमार जसपुरिया आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आगामी जो बस स्टैंड बंद होगा तो उसके लिए क्या गौशाला नहीं रहेगी? 1888 से स्थापित 134 वर्ष आ रहे हैं सर, 134 वर्ष में प्रवेश कर रही है। चेतक खलस्य बंदा है मुक्ते चात्मन वतम गुणेश्वर। माननीय अध्यक्ष आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए अपना प्रतिवेदन। से विचार होंगे वैसे कर्म होंगे, गौ सेवा के प्रति आरूढ़ हैं हम लोग और किसी भी तरीके से कटने जाने वाली गायों को रोक के गौशाला तक लाते हैं और एक मिनिमम लोगों से डोनेशन प्राप्त करके इस गौशाला को संचालित करते हैं। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हूँ, लोग सेवा भावना के साथ गौशाला से जुड़े हैं। ये गोपाष्टमी के पर्व का मुख्य उद्देश्य है क्योंकि गौशाला ही हमारी गायें जो हैं वो हमारी एक्चुअली माता के स्वरूप में हैं और अगर हम इसको भूल जाते हैं तो वास्तव में हम अपनी अस्मिता को खो देंगे। जीवन का एक मूल उद्देश्य यही है कि हम गो माता के बगैर न तो पहले थे न बाद में, क्योंकि मनुष्य के जो संपादक की संबंध होते हैं वो तो वर्तमान में होते हैं लेकिन आदि संबंध गो माता से हैं क्योंकि ये 36 कोटि देवताओं की अधिष्ठात्री है और इसी के बेस के ऊपर हम स्वचालित रहते हैं। मैं गौशाला का सेक्रेटरी हूँ, गया गौशाला की देख रेख का प्रभार मेरे ऊपर होता है लेकिन मेरे साथ समिति के तमाम सदस्य खड़े रहते हैं कंधे से कंधा मिला के। यहाँ की आम जनता मेरे साथ सहयोग करती है और बहुत ही प्रेम से हम सब गौशाला की सेवा करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। इसलिए आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, प्रचार करें कि गौ माता के प्रति अपनी आसक्ति और भावनाओं को प्रबल रखें। कितनी गायें यहाँ पाली जाती हैं? यहाँ पे अभी हाल 200 से ज़्यादा करीब गायें हैं, 50 के करीब बाछे हैं। परिचय दे दीजिए। मुकेश कुमार खंडेलवाल, सेक्रेटरी गया गौशाला। 134वां वर्षोत्सव के समारोह में मैं आया हूं और यहां पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दिया हूं और यहां पर अच्छे ढंग से इसका संधारण और इसका देख रेख किया जा रहा है। इसको मैंने खुद देखा, इसमें कुछ समस्याएं हैं और विकास करने के लिए संभावनाएं हैं, जैसे पितृपक्ष मेला या छठ पूजा में जो गाय पकड़े जाते हैं घाटों में तो यहाँ छोड़े जाते हैं तो उनका देखभाल करना और जब उसके मालिक आते हैं उनको फिर वापस कराना, फाइन नगर निगम से दिया जाता है। इस प्रकार की काम भी लगातार गौशाला द्वारा किया जाता है। सर यहाँ से जो बस स्टैंड है वो अगर अपने भवन में जब चले जाएगी तो उस ज़मीन पर क्या मतलब कोई विशेष ऐसा योजना जिससे कि गौशाला का आमदनी बढ़ाया जाए, कुछ सरकार के आपके तरफ से कोई ऐसा पहल हो सकता है? तो गौशाला समिति का ही निर्णय लेना है, गौशाला समिति जो उचित निर्णय लेगी और उस पर सरकार और प्रशासन के मदद की आवश्यकता होगी जरूर हम लोग। लेकिन कब तक सर वो जो है बस स्टैंड अभी जो बंद है कब तक उसके चालू किया जाएगा? जल्द से जल्द होगा, उसका ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया अभी सरकार के स्तर से है। वो जिस दिन नगर निगम को नया बना हुआ बस स्टैंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, संचालन का अभी प्रक्रिया शुरू कर गया। गौशाला की जो स्थापना है और गोपाष्टमी पर्व है उसको मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि जिला पदाधिकारी महोदय यहाँ आए और कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उसके बाद हम लोग इसका संचालन कर रहे हैं, सारा कार्यक्रम उसी के अनुसार से आज किया। सर अभी जो है बस स्टैंड यहाँ से बंद होगा तो ये भी एक चिंता किया जा रहा है चूँकि सर बस तो आखिर आप एक गौशाला के अध्यक्ष तो आगे के क्या? अभी हम लोग बैठ के विचार करेंगे इस पर और हम लोग निर्णय लेंगे कि इस पर क्या किया जाएगा ताकि गौशाला की इनकम बढ़ते रहे, आमदनी बढ़ पा रहे।